आप सभी को मेरा नमस्ते। और इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक प्रश्न कि जैसा कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए उत्साहित हैं, तैयार हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन यानी 12 जनवरी को, और जैसे ही मुझे ये स्मरण हुआ कि कल हमें नेशनल यूथ डे मनाना है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना है, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, और वो प्रश्न है कि संसार स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स से क्या सीख सकता है। हम स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्तित्व को आज मिस करते हैं, उनके समय को हम मिस करते हैं, और उस समय में जो परंपराएं थी उनको भी हम मिस करते हैं। उस समय में वैश्विक भाईचारे की बात होती थी, ग्लोबल स्टेज पे, वैश्विक मंचों पे वैश्विक भाईचारे की बात होती थी, टॉलरेंस की बात होती थी, और उस समय में अमन चैन की बात होती थी। अमन चैन कितना था, कितना नहीं था, वो हमेशा ही मानवता के इतिहास में अमन चैन को वॉयलेंस से खतरा रहा है। बट स्टिल उस टाइम पे वो ट्रेंड के टॉपिक्स थे। आज हमारी जो भाषा है, फैमिली से लेकर वैश्विक मंचों तक, वो बड़ी विषमयी और वायलेंट हो गई है। उस समय में कॉन्फ्रेंसेस ऑन वर्ल्ड रिलीजन्स ट्रेंड थी, जहां पे टॉलरेंस के टॉपिक वाली बात विश्व लेवल पर प्रशंसा की पात्र बनी। क्या आज उस प्रकार की जरूरत नहीं है? क्या वो संभव है? अगर संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हमारे वर्ल्ड लीडर्स स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं? और क्या इस प्रकार की एक वैश्विक स्तर पर एक मिशन के रूप में अमन शांति को स्थापित करने की मुहिम शुरू हो सकती है? ये शुरुआत अंदर से बाहर की होगी, ना कि बाहर से अंदर की। युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से इस राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन एक बात सीख लें, तो वो उस महान भारतीय आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और वो होगी कि हम कंसंट्रेशन पे काम करें। आज के समय में युवा जिस प्रकार से बिखरा हुआ है टेक्नोलॉजी के दौर में, उसके पास में उसका जो अटेंशन है, अटेंशन की क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा खुशी देने वाली नहीं है। उस पे काम करने की जरूरत है, और इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ अटेंशन है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, उस पे बात करने की भी जरूरत है, क्योंकि बात से ही उस बात को एक मुहिम में बदला जाता है, और उसी मुहिम से जो रिजल्ट्स, जो वांछित परिणाम हैं, उन तक पहुंचा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बर्थ एनिवर्सरी के दिन, स्वामी विवेकानंद जी की इस बर्थ एनिवर्सरी के दिन, वी रिजोल्व, हम ये प्रण करें कि हम वैश्विक
शांति के लिए, घर में शांति के लिए एक नॉन वायलेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, हम एक पीसफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और युवा हम सब मिलके इस धरती को जो एक एलिंग प्लेनेट है और मानवीय सफरिंग्स बहुत ही हैवी लेवल पे हैं, उस समय हम इस धरती को एक अच्छा प्लेनेट बनाने के लिए कम से कम ये रिजोल्व करें कि हम अगले वर्ष जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएं, तो उससे पहले हम अपनी कंसंट्रेशन पे जरूर काम करें और उस कंसंट्रेशन पे काम करने के लिए जिस प्रकार से एक योगी के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, उसी मॉडल को हम अपना रोल मॉडल समझें। और योगश्चित व्रति निरोध, जो हमारा माइंड है, जो चित है, उसको वृत्ति से, डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और अपने स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे काम हैं, उन पे कमिटेडली विद फुल कॉन्शियसनेस, विद फुल कमिटमेंट हम अपने आप को एंगेज करें। और ये भी सुनिश्चित करें कि हमें स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया हुआ सबसे जो पॉपुलर कोट है, कोटेशन है, उठो जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सबसे पहले उठना है, जगना है और लक्ष्य प्राप्ति तक मेहनत करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इस वीडियो को सुना, धन्यवाद।